हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आज का व्लॉग जो है ना भाई, मेरा सुबह सुबह तो ये दोस्तों ये रुमाल कह रहे हैं, आपको रुमाल जैसा लग रहा है क्या? तो एक गुन्नू दिखाओ, गुन्नू कहाँ है? गुन्नू को रुमाल जैसा नहीं, रुमाल ही है वो। गुन्नू कहाँ है? गुन्नू को दिखाया, इधर से मुंह दिखा। अरे तो ये हमारा बिट्टू भाई आ गया है, गर्म बहुत हो रहा है अभी। तो अभी फिलहाल हीटर चल रहा है इसके अंदर, और हीटर चलते रहेगा शायद, क्योंकि इनका बजट थोड़ा लो चल रहा है। एसी चलाता है वो। तो भाई ने एसी चला दी है। एसी चलाएगा। ये रुमाल पहन के हीरो बन रहा है। और भाई का टैटू देखो, भाई भाई का टैटू बड़ा प्यारा लग रहा है। बारिश भी होने लग गई है। गुन्नू का है हमारा, गुन्नू बड़ा प्यार से बैठा हुआ है। भाई कहाँ जा रहे हैं अभी? बाई सेक्टर और 17 क्यों जा रहे हो आप? तुझे सब बता देते हैं। तो अरे व्यूवर्स को बता दो, मुझे मत बताओ। सरप्राइज सरप्राइज। वाओ यार क्या सीन है। ती जो आगे बिल्डिंग दिख रही है वो यहाँ का जो इलाका था उसका स्कूल है। इन लोगों का आज मंडी भी लगी है साथ ही साथ, तो हम आपको शाम को मंडी घुमाएंगे एक चक्कर। तो आज हम राइड मारने भी जाएंगे नई वाली गाड़ी से, ठीक है ना? जो मंडी यहाँ लगती है ये देख सकते हो। और भाई ने मार दिया है यू टर्न, पता नहीं क्यों मारा, क्यों मारा भैया जी? क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? गुन्नू गुन्नू क्या कहना चाह रहे हो? अरे अब चुप हो गया, बोल। तो दोस्तों इसका बर्थडे आने वाला है 15 तारीख को, आपको याला भी। अरे क्या? अरे अरे सीरियस है? सीरियस क्यों है? अरे वो बहुत सीरियस है यार भाई, कोई बात नहीं कर सकता इससे। लाइए से आगे चल, गाड़ी चलाएगा अब तो। गाड़ी चला, गाड़ी। तो दोस्तों ये हमारा भांजा है। गुस्से में क्यों है भाई ये बता तू, गुस्से में क्यों है तू? ये टोपी आगे को पहनाना है, पीछे को मत। धूप बहुत हो रही है यार आज भैया। आज के ब्लॉग में ताई जी भी आ रही है हमारे साथ, और ताई जी जाएगी सोनी दीदी लोगों के साथ, मैं जाऊंगा बिट्टू भाई लोगों के साथ। ये माइक से आवाज जाती है कहाँ की? तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ कि ताई हमें बताएगी कि क्या सर्च कर रही है। तो ताई निर्माण कब हुआ था चंडीगढ़ का? जब तू पैदा नहीं हुआ था। ये देखो यार, जब बात हो रही है इनसे तुम की बात कर रहा हूँ। तूने पूछा मैंने बता दिया। ताई ताई तू है बिट्टू भाई, आपसे एक क्वेश्चन है, बताओगे? हाँ है ना, हाँ बताओगे? हैरी है तेरे पास? तो यहाँ के औरतों को हेलमेट पहनना मतलब मना, पहनती ही नहीं है, क्यों नहीं पहनती? चाहे पहनो ना पहनो। अच्छा पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे, वो देख रहा है कैमरा? हाँ घर में आ जाएगा अपने आप। तो औरतों को अलाउ मतलब स्ट्रिक्टली अलाउ है या नहीं है? क्योंकि पहनती तो है नहीं यहाँ की औरतें। देख पुलिस वाले ना औरतों से बहस नहीं करते। अच्छा पुलिस वाले औरतों से बहस ही करते होते, चले जाओ हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा या हर चौक में लगे या कैमरे, हाँ वो ऑटोमेटिकली घर में आएगा चला। अच्छा मतलब है अलाउ, अलाउ पहनते नहीं है। हाँ। वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा यहाँ 60 से ऊपर चलाएगा गाड़ी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा भाई, एक कैमरा दो कैमरा तीन कैमरा, तो भाई यहाँ पे अगर आपने रस्ते में थूका या बिना, तो भाई यहाँ पे हर जगह चलान की बात चलती है। तो ये जो ऊपर कैमरे दिख रहे हैं ना भाई, एक दो तीन, तो भाई ये पूरा नोट कर लेते हैं कि बंदा ठूक रहा है, एक हर स्क्रीन का कैप्चर ले लेते हैं। और जो ये गाड़ी का नंबर होता है वो तो 2 मिनट में स्कैन हो जाता है और घर में आ जाता है चलान बढ़िया वाला। तो अगर आप चंडीगढ़ आते हो तो स्ट्रिक्टली समझा दे रहा हूँ कि बेल्ट जरूर पहनना, रास्ते में मत ठूकना, और 60 से नीचे की स्पीड होनी चाहिए आपकी, वरना आपको पकड़ सकते हो। टू व्हीलर की 45 क्या? टू व्हीलर व्हीकल की 45 से कम, फोर व्हीलर व्हीकल की 60 से कम। अच्छा टू व्हीलर होनी चाहिए 45 से कम, और फोर व्हीलर होनी चाहिए 60 से कम।
अभी भाई बढ़िया हो जैसे ये जा रहे हैं। हाँ ये तीन जा रहे हैं जैसे कि इनका खुद ही आ जाएगा घर पे। आ जाएगा और ये पैसे देते हैं या नहीं देते? देने पड़ दूंगा, पैसे नहीं देंगे फिर कोर्ट में जाएंगे। अच्छा वहाँ पे फिर वो चले गए। और मैं ये कहना चाह रहा था यहाँ के साइलेंसर में चलान नहीं है क्या? चलाने तो यार बहुत तेज आवाजें आती हैं इनके यहाँ की। कुछ तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यहाँ पे और वो है हाईवे, मतलब हाईवे तो नहीं कहते, सिंपल रोड है। और ये चीज रोड में वो हाईवे ही है। अच्छा वो है हाईवे, दिल्ली टू शिमला हाईवे। अच्छा वो है हाईवे और ये जिस रोड में हम चल रहे ना वो पेट्रोल पंप के लिए बनाई गई है और हेलमेट का है और अंदर जाने के लिए ना स्लिप रोड कहते हैं। इसको स्लिप रोड कहते हैं। मतलब स्लिप रोड में क्या होता है? स्लिप रोड मींस जिनको सेक्टर के अंदर विजिट करना है वो इधर से कट मार के जा सकते हैं। अच्छा मेरे को लगा कि भाई पेट्रोल भरा रहा है डीजल भरा रहा है। कोई नहीं वो भाई जा रहा कर रहे हैं फोन, रुक जा कह देना मैं स्टाफ से। वही सेक्टर की तरफ को जाने का रास्ता होता है अंदर से। क्या कह रहा है? एडवेंचर ओवरलैंड। विजय सर का फोन आ रहा है। ये है जनसेवा फ्री पार्किंग। हम रुक जाएंगे यहां पे लेने पकड़ी से हमें लगेगा एक आधा घंटा। फॉक लाइट लगा रखी है इस ब्रेजा में। दोस्तों यहाँ से हमारे बिट्टू भाई ने भगा दिया गया है, निरस्त कर दिया है इनको। और भाई मौसम जो है ना भाई बहुत तगड़ा होने वाला है। इसके साथ भाई ने लगा दी है फ्री पार्किंग में कार। और हरी भाई कह रहा है यार, कह रहा हमारा कि वहाँ पे ब्लॉग मत बनाना जहाँ हम जा रहे हैं ऑफिस में। अभी कहाँ जा रहे भाई? हम फोटो निकलवाने जा रहे हैं और गुस्सा हो गया। चलो ठीक है मिलते हैं बाद में। तो दोस्तों देखते ही देखते यहाँ पे बारिश हो चुकी है। यहाँ वीडियो ये स्टिल एक फोटो खींची क्या हुआ एक टीम लगा रखी है उस साइड। तो भाई देखो यहाँ पे शोरूम खुले हुए हैं, बहुत लोग हुए गए। यो 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 होलसेल रेट में मिलेगा यहाँ सस्ता 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 रास्ते का माल सस्ते में। तो दोस्तों देख सकते होंगे भाई ये वाले है ये है ये है ये है ये है ये है बहुत बड़ी फोटो है। अमित भाई ये हूँ मैं, मज़ा आ गया यार। तो दोस्तों अगर पैसा ही पैसा होगा ना तो ऐसे ही फ्रेम बनाऊंगा अपनी आली के साथ ऐसी वीडियो। तो अभी जैसा हमने फ्रेम देखे ना भाई और वैसे ही अपनी शादी में फ्रेम बनवाऊँगा। मेरा मन पूरा ऐसा ही है भाई। हाँ जी ना आईफोन 14 प्रो मैक्स देखना है। एप्पल नहीं है क्या मेरा यार? दोस्तों यहाँ पे जो गलियाँ है ना 22 की मार्केट में तो यहाँ पे सेल और बाइंग होती रहती है आईफोन या किसी की सबकी डीलिंग होती है। तो अभी मेरे को बिट्टू भाई ने भेजा था कि इसका प्राइस पूछ रहा क्या सेकंड हैंड में क्या बिक जाएगा। तो उस बंदे ने डायरेक्ट इसके औकात ही गिरा दी, इसके औकात 16,000 रुपये गिरा दी। 56 का कुछ ख़रीदा था मैंने, 61 का है वैसे क्रेडिट कार्ड यूज़ करके ये हो तो भाई उससे 38 बोल रहा। उसके बाद बिट्टू भाई ने बोला कि बताया कि भाई यहाँ के लोग ना इतने खतरनाक है कि सामान निकाल के बोलते कि 5 मिनट रुको मैं पता करके आता हूँ, पूरा सामान उड़ जाता है, ऐसे लोगों को वो कर देते हैं चूते बना देते हैं। तो भाई ऐसा कभी मत करना अपने फ़ोन को, कभी देना भी मत भाई ऐसे करके कि भाई 5 मिनट के लिए दे दो ये हो। तो अभी कहाँ जाने का प्लान है भाई? कहाँ जाए दोस्तों? भाई लोगों ये आ चुके हैं हमारे साथ चलो हम गुन्नू को लेके जा रहे हैं हम। आप हमारे साथ मत चलो गुन्नो। अभी देखते हैं क्या करते हैं। वैसे भाई लोग ने डिसाइड कर लिया शायद कि कल ही तो क्या कर रहा है डाल। अरे ये देख ये क्या है भाई ये नियर बाय रहते हाथ में लगा साफ हो गई यस चिकनी साफ हो गई। यार ये निकाल दिया है किसी ने या इतना ही था? मैंने निकाला है डिजाइन बना रहे। अच्छा डिजाइन बना रहे थे। तो दोस्तों अभी फिलहाल बहन देने गई थी इंटरव्यू और इंटरव्यू में क्या क्या पूछा?
कॉफी की कप की और चाय के कप की पहचान बता सकते हो? आपको पता है कि टिश्यू पेपर के नहीं, जो टिश्यू टिश्यू पेपर का पैकेट के अंदर कितने नैपकिन आते हैं? अच्छा, तो आपको पता तो बताओ, ठीक है, सर्च में तुम करना, ठीक है। और क्या पूछा यार, तू सर्च भी कर ले, वो भी नहीं पता चलेगा यार। कॉफी के कप में और चाय के कप में फर्क, कौन सी चम्मच जाती है, टीस्पून जाता है? वो तो साफ बोलने वाली बात है ना, टीस्पून कॉफी में कॉफी स्पून जाता है, और काढ़े में काढ़ा स्पून जाता होगा। और ऑमलेट के साथ कौन सी चम्मच दोगे तुम? ऊपर से ये ज्यादा बोल रहे हो, इससे जो मर्जी बनवा लो, जो मर्जी बनवा लो। कौन ये हैं जो बैठे हुए? अच्छा, ये तो लेकर ही नहीं जाना। तो इस गाड़ी में लिख दूं कि धो लो भैया, धो लो भैया का भी इसको ले रखा है सामान। अच्छा, बारिश के इंतजार। ए भगवान, मत करना रे इस गाड़ी के ऊपर बारिश, और सबके ऊपर करना, इसके ऊपर मत करना। हेलो हेलो सोनी दीदी, कैसे हो आप? सोनी दीदी, मैं कह रहा था ये कौन सी मार्केट है? ये 17 की मार्केट, सॉरी 22 की मार्केट। वही कौन तुम्हारी 17 में जाए? कहाँ जाते तुम 17? अच्छा, तो यहाँ पे एसी वाली हवा कभी कभी आती है ना? लगातार क्यों नहीं आती यार? बन रहा यूट्यूबर कभी शर्माता नहीं है पता। तो दोस्तों देखो, ये हमारी ताई है, जाती हर जगह मगर लेती कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने कुछ खरीदा है, मगर हम अरे नेकर के, आप हमेशा नेकर पहन के घूमूंगा क्या? क्या लिया इसने कपड़े? भाई देखो कितने प्यारे प्यारे सूट्स हैं यहाँ पे, और भाई कपड़े बड़े प्यारे मिलते हैं भाई इसकी मार्केट में, और आपकी बजटेबल है, बजट में है सब कुछ। तो दोस्तों फिलहाल इन्होंने मेरे को बच्चा मेरे हाथ में पकड़ा दिया, और हमने एक चीज़ खरीदी, हम दिखाएंगे क्या चीज़ खरीदी, और क्या चीज़ खरीदी हम वो दिखाएंगे आपको क्या चीज़ खरीदी। दोस्तों हमने ये खरीदा है अभी फिलहाल, अब देखते हैं इसकी टेस्टिंग। छोटा लग रहा है, वो बड़ा लग रहा था। पागल हो गई है ये, लंबा बात करेगा तो। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बार किसान मेले में मैंने ना बुलडोजर खरीदा था, और हमें मेरे को नीचे से पकड़ा के दूसरा पकड़ा दिया, घर जाके देखा तो चल नहीं, वो बड़ा लग रहा था यार, सेंटी सच बता रहा हूँ। चल दो, रुक जा, चैट है, चलो। हेलो, कैसा है? बढ़िया। अरे मस्त यार। और तू सुना? पाँच सौ का? कितने का? 500 रेट बता रही है, कतई जहर करके। तो दोस्तों बड़ा लेट में सुनता है पता, क्योंकि ना तो काम भी नहीं। तो दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ पे बिट्टू भाई हमारा कुछ खिलाएगा, और बिट्टू भाई रिएक्शन की बदल दिया। मैं देख ऐसे ब्लॉगर है हम, देख। और सभी लोग आजकल कौन सी मार्केट है? अबे तूने मेरी साइड वीडियो नहीं देखी, और घर में आई थी एक दिन वीडियो वो पुलिस। तो फाइनली दोस्तों इन्होंने हमारी सनलाइट बंद कर दी है सालों ने, कुत्तों ने। स्कॉर्पियो का क्या ले गए? अरे घंटा मंदिर तो भाई, पुलिस वाले अपने पावर का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखो भाई देखो, जैसे कि इनकी गाड़ी नहीं निकल रही, तो भाई ये मतलब बोलने लग गया भाई, किनारे लगा उधर लगा, यहाँ पे बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तुम कितना ट्यूशन पढ़ाते हो? बच्चों तुमसे कितने रुपए लेती है? कितने रुपए लेते तुम इनसे? बच्चा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हम टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं अपनी नई
तो देख सकते होंगे वाटर वाइपर के तक मस्त चल रहा है, और इसका जो डिस्प्ले है भाई, इसका डीजल पूरा खत्म है और बिट्टू भाई चला रहा है यहाँ पे भाई हमारा, और यस भाई लोग पीछे बैठे हैं और सोनी दीदी भी पीछे बैठी है। शीशे ठीक करिए, शीशे शीशे, अच्छा या अच्छा, तो भैया बैक मिरर ठीक करते हैं इसका, ठीक हो गया, चलो फिर ओके। तो भाई साहब कैसा लग रहा है आपको? फुल एसी, एसी ताजी ताजी हवा खा रहे हैं। और तो भाई लोगों कैसे हो? हम बहुत गंदे हैं। अरे माँ का समय शशि देव, अरे मारता जी का हिल बाटे जाता, अबे थप्पड़ मारता मित्र यार। अरे अरे भैया हम है हमने लगाया नहीं। मजा आ गया यार, ऐसी राइड पहली बार करी होगी हमने। सुहाना सफर।